प्रॉब्लम भी दिख रही है। बिल्ली हमेशा बढ़िया माल उड़ा लेता है, इसलिए क्यों ना इस बार हम मिलकर उसे घेर लें। ये तो अच्छा आइडिया है। इस बार वो कबाड़ लेकर जाए। हाँ, इस बार हमें अच्छा माल मिलने वाला है। मार्क को मैं बहुत पसंद करती हूँ, एक छोटे भाई की तरह, पर वो हमेशा साजिश करता रहता है। ठीक है, और ऐसा करने के लिए तुम्हें बाहर निकलना होगा। तुम्हारा मतलब पैदल जाऊँ? हाँ, हम उसके सामने एक साथ नहीं जा सकते। उसकी बात तो सही थी, लेकिन दिक्कत तो मुझे हुई। जाता हूँ। तुम सनस्क्रीन तो लाए हो ना? बाय। मैं फंस गया। ओह कमाल है, मैं बचपन में इनसे खेलता था, जीआई जोज और जॉनी वेस्ट। मुझे इनके ज्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये 60s के बड़े सुंदर खिलौने हैं और घोड़ा भी है, बहुत खूबसूरत है। मुझे अपना बचपन याद आ गया, लेकिन मैं यहाँ अपने बचपन को याद करने नहीं आया, मैं कनाडा आया हूँ कुछ काम लायक चीजें खरीदने। मैं यहाँ आई हूँ प्रोहिबिशन एरा के आइटम्स खरीदने। ओ वाओ, ये सही है, लिखा है एवली कनाडा, इसकी बात ही कुछ और है। इन सूटकेसेस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इनमें से एक लॉक्ड है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, पता नहीं क्या निकल जाए। ओके, अब क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। मैं हर सूटकेस के लिए $200 आराम से दे सकती हूँ, शायद इनके अंदर खजाना हो। मैं तो सिर्फ मिलिट्री के सामान पर ही कॉन्सेंट्रेट करने वाला हूँ, वही मेरी स्ट्रेंथ है, और मर्दों को ऐसी चीजें पसंद आती हैं। ये एक जबरदस्त बॉम्ब है, देखने में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का लग रहा है, क्योंकि इसका रंग तो ब्रास का है, लेकिन ये बना है स्टील एज में। अगर ये मुझे $150 से $200 तक मिल जाएगा तभी मैं इसे खरीदूंगा, इसे बेच पाना आसान नहीं है। ये किसी काम का नहीं है, कबाड़ है। कबाड़? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा? मुझे ये काला घोड़ा पसंद है। वाकई? हाँ, ये बहुत सुंदर है। ये बहुत पुराना तो नहीं, पर बहुत अच्छी कंडीशन में है। ऐसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो दिखती नहीं लेकिन होती बड़ी शातिर है। ये तो पक्का विंटेज है, मॉडर्न नहीं लग रहा, शायद 70s का हो। ये चीजें बड़ी आसानी से बिकती हैं। तुम इसे कितने तक खरीदोगी? $150-$175 तक। मैं तो इसके $80 भी नहीं दूंगा। नहीं, मर्दों की फितरत होती है खुद को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। तुम फ्रेंच बोलती? हाँ, मैं केबेक की हूँ, मुझे फ्रेंच तो आती ही है। एक काम करते हैं। क्या? सुनो मार्क, वो टकला बड़ा ही अजीब सा इंसान है। हम एक डील करते हैं, हम ये दोनों केसेस अच्छा? खरीद लेंगे, फिर तुम्हें जो पसंद होगा वो तुम ले लेना। फर्स्ट चॉइस? हाँ फर्स्ट चॉइस, मगर तुम्हें उसे एलिमिनेट करना होगा। ये देखो उसका नाम लिया और वो पहुँच भी गया, देख रहा है इधर ही। चलो नाटक शुरू करते हैं। क्या बकवास है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आइए कल ठिकाने। समझ गया। पागल कहीं। उसका चेहरा देखकर ही थप्पड़ मारने का मन करता है। ओह, ये ब्लैंकेट बहुत सुंदर है, कमाल का है, लेकिन इसके नीचे की चीज तो और भी बेहतरीन है। ये है एक खूबसूरत टॉय चेस्ट और ये डेवी क्रॉकेट का है। मुझे वो डेवी क्रॉकेट का बॉक्स बहुत पसंद आया, खूबसूरत ड्राइंग्स बनी हैं और कंडीशन भी अच्छी है। ये बाहर से तो सुंदर है, लेकिन इसके अंदर क्या है? अरे ये तो लॉक्ड है। डेवी क्रॉकेट एक सैनिक थे और ये शहर बसाया था अंग्रेजों ने। कौन जाने इसके अंदर क्या होगा, ये बड़ा ही पुराना है और प्रेशियस भी। मैं इसके लिए $450 तक दे सकती हूँ। ये मिली ना काम की चीज, इस हार्पून से करते हैं वेल का शिकार। मुझे इन इंडिजिनस चीजों को लेकर हमेशा ही मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं। शायद वजह यह है कि मेरी मॉम ह्यूरॉन थी। ये एक प्रोटेक्टिव बेबी कैरियर है, इसे लोग अपनी पीठ पर बांध लेते थे, इसके अंदर बच्चे को रख देते और फिर इसे पहन लेते। सच कहो तो दुनिया के इस हिस्से में बड़ी आसानी से इस तरह के अबोरिजिनल क्राफ्ट्स में जाते हैं, और कोई अनाड़ी ही होगा जो इसके लिए $125 से ज्यादा देगा। ये बॉक्स तो कमाल का है, ये डेवी क्रॉकेट बॉक्स बहुत सुंदर है, काफी पुराना भी, बिल्कुल टॉय चेस्ट जैसा लग रहा है, पर ये लॉक्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर सिविल वॉर के ब्लैंकेट्स और कुछ पुराने खिलौने हो सकते हैं। इसका ऊपर वाला हिस्सा खराब हो चुका है, लेकिन इतनी पुरानी चीजों में ऐसा होता है। ये 60 या 70 के दशक का हो सकता है, और मुझे तो अपने डैड के टॉय चेस्ट जैसा लग रहा है। मुझे ये लॉक्ड बॉक्स पसंद आया, डेवी क्रॉकेट का है। उन्होंने 1812 में कनाडा के लोगों से लड़ाई लड़ी थी, और आज मैं कुछ कैनेडियन से लड़ने वाला हूँ।
कैसा चल रहा है? बढ़िया, तुम्हें काम की चीजें मिली? हाँ मिली, मुझे मिलिट्री की कुछ चीजें मिली हैं। अच्छा, लेकिन मुझे मालूम है कि बिली अच्छा? अपनी टांग अड़ाए बिना नहीं मानेगा। मुझे प्रोहिबिशन एरा के दो सूट केसेस मिले हैं, दोनों कमाल के हैं। अच्छा, और तुम्हें तो मिलिट्री की चीजें चाहिए। हाँ, लेकिन तुम्हें लगता है कि बिली भी उन्हें खरीदना चाहेगा? तो हमें साथ मिलकर ही कुछ करना। सही कह रही हो, मुझे मंजूर है। हाँ, मेरा प्लान सुनो। मुझे बिली और मार्क के साथ काम करने में बहुत मजा आता है, उन्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। इस ऑक्शन की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ काफी सामान बिकने वाला है, लेकिन मैं उन चीजों की तलाश में हूँ जिनसे मैं पैसे कमा सकूँ। आह, फाइनली। ओके, ये तो डेफिनेटली 1930s का सूटकेस है, और ये वाला इसके अंदर भी कुछ है, और ये ब्राउन वाले से ज्यादा सुंदर भी है। ये सूटकेस खाली भी $100 में बिक जाएगा। ये तो कमाल की चीज है, ये ब्रिटिश तलवार खास दौर की है, सन 1812 की लड़ाई की है। क्या बात है, इस तलवार की कीमत कम से कम $3,000 है। मैं तो इसे जरूर खरीदूंगा, बहुत सुंदर है। अब ऑक्शन शुरू होने वाला है, मैं जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग ऑक्शन के लिए तैयार हैं? चलिए तो फिर शुरू करते हैं। 600 $625 1963 का केनेडी की हत्या का अखबार, बोली लगाइए। यहाँ इस शहर के लोग जमा हैं, और मार्क और बिली के अलावा कोई और माहिर खिलाड़ी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 150 175, सही दे दो। लीजिए, ये बिक गया, नंबर 17। मुझे नहीं पता इसमें क्या है, लेकिन काफी भारी है। मुझे हर हाल में वो सूटकेस खरीदना है। तुम्हारी अंडरवियर है उसमें? मुझे नहीं मालूम। 175 180। पता नहीं क्यों बहुत से लोकल्स भी उस सूटकेस में इंटरेस्टेड लग रहे हैं। जो भी हो, मैं उसे किसी भी कीमत पर खरीद कर रहूंगी। 200 200 200, अब 250 हो गए। 250 275 275, 350 350, लगाइए, बोली लगाइए। 375 375। ले लो वो गंदा अंडरवेयर। मैं 375 से आगे नहीं जा सकती। 375 लीजिए, ये बिक गया 375 में, ये जाएगा नंबर 145 के पास। बोली लगाइए। चलिए, और अब बिड होगी इस डेवी क्रॉकेट ट्रंक की। हमने काफी रिसर्च की है, लेकिन ऐसा दूसरा ट्रंक नहीं मिला। इसके ऊपर कंपनी का सिग्नेचर भी है। डेवी क्रॉकेट बॉक्स अच्छी चीज है, 1950s की है, और सील्ड भी है। मार्क कुछ भी कर ले, ये चीज तो मैं ही खरीदूंगा। बोलिए। $20। $200 की बोली तो पहले लग चुकी है। वहाँ सब के सब बिडिंग कर रहे थे, देखते देखते बिडिंग $200 $300 तक पहुँच गई। चुटकियों में 400 हो गए। लीजिए 650। उसके पास पैसे नहीं है, तो है जो 700 देगा। इतनी दूर आने के बाद में किसी भी कीमत पर ये डील अपने हाथ से जाने नहीं दूँ। बोलिए जनाब। डेवी क्रॉकेट बॉक्स अच्छी चीज है, मार्क कुछ भी कर ले, ये चीज तो मैं ही खरीदूंगा। लीजिए 650 675, कोई है जो 700 देगा? बोलिए। ये हो गए 700, और ये रही 700। मुझे किसी भी कीमत पर डेवी क्रॉकेट बॉक्स चाहिए। बोली लगाना बंद करो और मुझे दे दो। आप बड़े लकी बायर हैं। आप हाँ, लकी कुछ भी बोल रहे हो। मैंने वो बोली जीत ली, अब वो डेवी क्रॉकेट बॉक्स मेरे साथ जाएगा। ये बर्ड की छाल का बना बहुत ही सुंदर बेबी क्रेडल है। चलिए बोली लगाइए। मैंने मार्क को कन्विंस कर दिया है कि बर्ड की छाल का बना वो पपूस काफी महंगा बिकेगा। मार्क ने ये प्लान बनाया था कि मैं बिली को कन्विंस कर दूं कि मैंने मार्क को समझा दिया है कि वो पपूस कोई मामूली चीज नहीं है, वो बहुत महंगा बिकेगा। कोई है जो 400 बोलेगा? $5 $5, शुरुआत बुरी नहीं है। $20 कोई है जो 20 के आगे बढ़ेगा? आगे बढ़िए। ये लगी 100 की बोली। थैंक यू, क्या बात है, 300 हो गए। 300 300, बोलिए। बिली तो यही सोच रहा है कि मैं वो पपूस खरीदने को बेताब हूँ, ये उसकी बेवकूफी है। जैसे उसकी बिडिंग बढ़ने लगेगी, मैं यहाँ से खिसक लूंगा। 550 575 575 हो गए। कोई 600 लगाएगा? ये लीजिए 600 हो गए। ओह माय गॉड, मैंने इसके लिए $600 की बोली लगा दी। 600 की आखिरी बोली है, कोई 600 मिलेगा? है कोई 600? बोलिए। लीजिए, ये बिक गया 600 में। ये मेरा हो गया, मैंने खरीद लिया, उस लड़की ने मुझे फंसा दिया। थप्पड़ खाने के बाद बिली की जो हालत थी, उससे भी मजेदार हालत तब थी जब उसे पता लगा कि पपूस के मामले में उसे बेवकूफ बनाया गया है। अब लगाती हूँ हिसाब। मैंने इस ऑक्शन में $600 खर्च किए हैं, अब मुझे पैसे कमाने हैं। यस, मैंने ये वेल हापुन खरीदा है, मुझे लगा ये महंगा बिकेगा। मैंने इसके $175 दिए हैं, पर मैं इस पर कम से कम $300 कमाने वाली हूँ। ये इस महीने का सबसे अच्छा सौदा है, आई लव इट। आप ही बताइए कितनी लड़कियों के पास वेल हापुन होगा। मैं प्रोहिबिशन एरा के जिस सूटकेस के लिए बेताब थी,
उसे मैंने $375 में खरीदा है। ये एक हाई क्लास लगेज है और अच्छी कंडीशन में भी है। मैं अब अपना सूटकेस खोलने जा रही हूँ। मुझे ये नहीं मालूम कि इसके अंदर क्या होगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि अंदर क्या है। ये कुछ खास नहीं है, गंदी सी सफेद शर्ट। देखने में ये ज्यादा पुराना नहीं लग रहा। इसमें बेकार की चीजें हैं, इसे कोई खरीदेगा भी नहीं। शायद कोई कॉस्ट्यूम वाला ले ले। देखती हूँ इसमें कोई पॉकेट या लाइनिंग तो नहीं है। अरे ये क्या है? इसकी लाइनिंग के अंदर एक चाकू छिपा हुआ था, शायद किसी गैंगस्टर का रहा हो। सुनो वैल, इस पपूस को बेचने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे इसे बेचना ही होगा, ये एक बड़ी मुसीबत है। अच्छा। मुझे मजबूर होकर वैलरी के पास जाना पड़ा और उससे कहना पड़ा प्लीज मेरी मदद करो। अच्छा तो ठीक है, वो पपूस को लेकर बहुत नाराज है, लेकिन उसे मेरी मदद भी चाहिए। पपूस बिकवाने में मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मैं एक आदमी को जानती हूँ। बढ़िया, और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है। इतना बड़ा धोखा खाने के बाद मैं वैलरी पर भरोसा कर रहा हूँ? ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जानती हो ये क्या है? ये किसी गैंगस्टर के कपड़े हैं। गैंगस्टर्स ऐसे शिकारी चाकू रखते थे, इसी से वो लोगों की जान लेते थे। क्या बात कर रहे हो, सच में? सबसे जरूरी काम इसके पॉकेट चेक कर लो, सुइयों का ध्यान रखना। ये क्या है? एक फोटो है। ये माया लैंस्की की फोटो है, वो एक ज्यूइश गैंगस्टर था। हैट भी वही है। मैं नहीं जानती कि वो शख्स कौन था, बस हैट पहने कोई बूढ़ा था। कैसा लग रहा हूँ, हीरो लग रहा हूँ ना मैं? हाँ? चलो एक डील करते हैं। ये इतना एक्साइटेड कभी नहीं होता, जरूर दाल में कुछ काला है। तुम अभी इसे बेचना चाहती हो? लेकिन कैसे? मैंने तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछा। मैं पहले इसे इवैल्यूएट करवाऊंगी। अच्छा, तुम तो मार्क की तरह बात कर रही हो। हाँ, ये शायद मायर लैंस्की का है। मार्क भरोसे लायक नहीं, इसके बावजूद तुम उससे दोस्ती करना चाहती हो? तुम जानते हो मार्क अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। ये तो अच्छी बात है। इसमें अच्छा क्या है? मैं ये नहीं जानती। और क्या, 30 साल का हो गया फिर भी पेरेंट्स के साथ रहता है। मैं इस हैट को उस शख्स के पास ले जा रही हूँ जो इन चीजों के बारे में जानता है। मैं जीक से मिलने जा रही हूँ, वो एक विस्की शेफ है और प्रोहिबिशन एरा की हिस्ट्री का एक्सपर्ट भी। वहाँ पहुँची तो देखा कि एक रेस्टोरेंट है। अंदर मुझे कई डार्क टनल्स मिले और फिर पता चला कि हम एक खुफिया ठिकाने पर हैं। हाय जीक। ओ हाय, कैसी हो तुम? मेरी धड़कने बढ़ गई है। क्या ये सचमुच किसी गैंगस्टर की हैट हो सकती है? ये हैट बहुत सुंदर है। मुझे पूरा यकीन है कि जीक मेरी मदद करेगा। एक फोटो भी मिली। ये तो मायर लैंस्की है, इसे माफिया का अकाउंटेंट कहा जाता था। इसने शुरुआत एक अकाउंटेंट के रूप में की थी। ओके। और ये नंबर्स का उस्ताद था, इसलिए बहुत से लोगों को जैसे कि लकी लुसियानो, बक्सी सीगल और अल कपोन को कैसीनोज में पैसे कमाने के नए नए तरीके सिखाता था। चूंकि ये एक माहिर अकाउंटेंट था, इसलिए हर मामले में इसकी दखल थी। वो बहुत इन्फ्लुएंशियल भी था। अब उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। मैं और बिली ये फोटो देख रहे थे तो हमें ये हैट उसकी हैट जैसी ही लगी। ये बिल्कुल सेम टू सेम है। हमने उसके हैट साइज का पता लगाया तो दोनों एक ही निकले। हो सकता है ये उसी की हैट हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये हैट कभी एक इतना बड़ा गैंगस्टर पहना करता था। डॉब्स फिफ्थ एवेन्यू महंगी हैट बनाने वाली बड़ी कंपनी है और वो मशहूर हस्तियों के लिए हैट बनाती है। इसके इस साइड में जो बैस्किन का लेबल लगा है वो भी शिकागो की बैस्किन नाम की उस दुकान का है जहां से उसने ये हैट खरीदी होगी। पर ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट के बिना कुछ कह पाना मुश्किल है क्योंकि इसकी नकल भी बनती थी। उसके बिना तो ये भी एक मामूली सी हैट है और इसके मैक्सिमम $150 मिल जाएंगे। चलो ये मान लेते हैं कि ये मायर लैंस्की की ही हैट है। मैं ये साबित कर सकूं इसकी कितनी संभावना है? बहुत ही कम। ओके, तो आप क्या सोचते हैं कि अगर ये साबित हो जाए कि ये लैंस्की की ही हैट है तब इसके कितने पैसे मिल जाएंगे? अगर ये सचमुच उसकी हैट निकली तो काफी महंगी बिकेगी। मेरे ख्याल में ये 4,000, 5,000 या 6,000 में भी बिक सकती है। अब तो मैं किसी कीमत पर भी इस हैट को ऑथेंटिकेट करवाऊंगी। मैंने उस ऑक्शन में $1,000 खर्च किए हैं। पैसे थोड़े ज्यादा खर्च हुए हैं, लेकिन मैंने उन फ्रेंच कैनेडियन से कुछ अच्छी चीजें हथिया ली हैं। ये एक शानदार स्टीम विसल है, मैंने ऑक्शन में इसे काफी महंगा खरीदा है। ये एक स्टीम इंजन का सबसे अहम हिस्सा है, जोरदार आवाज करता है, कमाल का है। मैं इस छोटी सी चीज को दुगनी कीमत पर बेच सकता हूँ। मुझे ऐसी चीजें बहुत पसंद आती हैं। टूट टूट, ये शानदार बॉम्ब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है।
इसे मैंने $200 में खरीदा है। ये 10 किलो का आर्टिलरी शेल है, मतलब बॉम्ब। ये कम से कम $350 में तो बिकेगा। किसी भी मर्द को ये पसंद आएगा। इसे बेचने में मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हालांकि मुझे इसके लिए ग्राहक ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं इसे महीने भर में बेच दूंगा। बहुत से लोग स्क्रैच कार्ड या लॉटरी टिकट्स खरीद लेते हैं या अमीर औरतों से शादी कर लेते हैं, लेकिन मैं ट्रंक्स खरीदता हूँ। मैंने इसके लिए थोड़ा ज्यादा खर्च किया है, $725। पहले कभी मैंने इतना महंगा बॉक्स नहीं खरीदा, मगर इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। विंटेज टिन टॉयज, ज्वेलरी, विंटेज क्विल्ट्स, और ये सब मेरे लिए खजाने से कम नहीं। ये कुछ खास नहीं है, इन्हें देखकर मजा नहीं आया। इसके अंदर कई टूल्स हैं और एक कैनन बॉल भी है। काफी पुराना लग रहा है, इसके ऊपर कई रंग का पेंट भी लगा है। पता नहीं ये क्या है, ऐसा लगता है कि ये किसी मशीन का पुर्जा है। मुझे तो यही लग रहा है कि इस बॉक्स के अंदर इस कैनन बॉल के अलावा कुछ भी खास नहीं है। मैं इन चीजों को ऐसे आदमी के पास ले जाऊंगा जो मुझे इसके बारे में बता सके। मैं अभी ओंटारियो कनाडा के क्राइस्लर फार्म में हूँ, रॉबिन से मिलने जा रहा हूँ। यहीं पर 1812 की जंग की सबसे अहम लड़ाई लड़ी गई थी। इनके पास कैनन्स भी हैं, बहुत मजा आएगा। हे रॉबिन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मार्क, तुम कैसे हो? रॉबिन कमाल का आदमी है। वो सिर्फ एक ऑक्शनियर ही नहीं, एक बायर और कलेक्टर भी है। उसे मिलिट्री की चीजों की अच्छी जानकारी है। इसके बारे में क्या कहते हो? वाओ, 1.5 किलो का कैनन बॉल। इस कैनन बॉल का इस्तेमाल 1812 की जंग के शुरुआती दौर में होता था। ये सचमुच इतना पुराना है? हाँ, मुझे तो लग रहा है ये पुराना है। इन्हें 1813 के आसपास डीकमीशन कर दिया गया था और इनकी जगह ये बड़े कैनन बॉल आ गए। तो कैनन बॉल का साइज भी मैटर करता है? हाँ, जंग के मैदान में तो करता है। अच्छा, देखो मैं सीधी बात पूछता हूँ, ये बताओ इसकी क्या कीमत हो सकती है? ये 40 से $60। यकीन नहीं होता कि इतनी सुंदर चीज के इतने कम पैसे मिलेंगे। ये लोहे के हैं, काफी टिकाऊ हैं। फंस गया। तुम्हारे पास कुछ और है? हाँ, ये स्टिक भी है। क्या बात है मार्क, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आइटम है दोस्त। रॉबिन स्टिक में इंटरेस्टेड लग रहा है, वजह मैं नहीं जानता। स्टिक की क्या कीमत होगी? 1812 की जंग के वक्त तोप के गोलों में आग लगाई जाती थी और उसके लिए इसका इस्तेमाल करते थे। ये मशाल है? हाँ, मशाल ही है। एक बार गोले में आग लगाने के बाद इसे जमीन पर रख देते थे और फिर दूसरे गोले में इससे आग लगाते थे। इसे कहते हैं पोर्ट फायर, जिसे फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, पोर्ट फू से। देखो, मुझे साफ साफ बताओ इसकी कीमत क्या हो सकती है? क्या कहूँ, $400 से $600। ये बड़ी अच्छी खबर है। अगर वो बूमस्टिक $500 से ज्यादा में बिक जाए तो मजा आ जाएगा। Hey bro, $600 दे के मैंने बबूस खरीदा, बुरी तरह फंस गया हूँ। मैंने खरीदा भी तो क्या, बबूस। पैलरी ने मुझे नैकसेट से मिलवाया, जो नेटिव अमेरिकन आर्टिफैक्ट्स की एक्सपर्ट है। उम्मीद है मैं नुकसान से बच जाऊंगा। हेलो, हाय, मिलने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने इसे एक ऑक्शन में खरीदा है। ओके। मैं नहीं जानता कि ये क्या है, लेकिन मैंने इसके लिए काफी पैसे दिए हैं। ये एक क्रेडल बोर्ड है, इसमें छोटे बच्चे को रखते हैं। मैं अब कभी भी किसी स्ट्रोलर या पपूस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, कान पकड़ता हूँ। अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग क्रेडल बोर्ड का इस्तेमाल होता था। ये मुझे अलगोंक्विन लग रहा है। अलगोंक्विन? जी हाँ, इसे अलगोंक्विन भाषा में टुकनागन कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मेरे बिजनेस की सबसे जरूरी बात, ये कितना पुराना है? ये कम से कम 2 generations पुराना है। वाकई? जी हाँ। और ये तो अच्छी खबर है। ये ऑथेंटिक है, इसे बर्च की खाल से बनाया गया है। ये अब बहुत कम मिलते हैं। अब एक बात और बताइए, इसकी ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितनी कीमत हो सकती है, सच बताइएगा। ओके, मैं इसे फिर से एक बार देख लेती हूँ। एस्थेटिकली सच कहूँ तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा $400 मिलेंगे। तो मुझे $200 का नुकसान तो होगा ही, लेकिन इतना पता लग चुका है कि ये कोई फालतू चीज नहीं है, बल्कि असली हैंडमेड नेटिव पपूस है। चलिए, ये ऑथेंटिक तो है। मार्क ने उस पुराने कैनन बॉल और मशाल के साथ स्टीम व्हिसल और आर्टिलरी शेल को बेच दिया, उससे उन्होंने करीब $400 कमाए। वैलरी ने वेल हार्पून और गैंगस्टर हैट से बहुत बड़ा हाथ मारा और करीब 6,000 का मुनाफा कमाया। और सबसे पीछे रहे बिली, जो एक एल्गोनक्विन पपूस खरीद कर फंस गए थे, उन्हें $200 का नुकसान हुआ। मैं स्टिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं कभी भी तोप से गोले दाग सकता हूँ। चलो, अब उसमें आग लगाओ, अपना हाथ इसके ऊपर रखना, ठीक है? ओके। होल्ड चार्ज, चार्ज रैम्ड,
fire! फिर से करते हैं।